नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं रवीश रंजन शुक्ला सीधे बहराइच के उन गांव से जहां पर भेड़िए की दहशत से लोग खौफजदा हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें कैसे ग्रामीण भेड़ियों के चलते गांव का रात रात भर पहरा दे रहे हैं, कैसे वन कर्मियों की टीम चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है और कैसे आखिर दो भेड़ियों ने पूरे विभाग की नींद को हराम कर रखा है। अभी तक चार भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक भेड़ियों की दहशत से लोगों को रात रात भर जागना पड़ेगा। रात में बच्चों को अकेला ना छोड़ें। घरों में बंद दरवाजों में सोएं। डरे नहीं बल्कि सावधान रहें। सचेत रहें और दूसरों को भी रखें। सावधान सावधान सावधान। फिल्म शोले का वो डायलॉग आपको याद होगा जब गब्बर सिंह कहता है कि 50-50 कोस दूर तक जब बच्चा रात में रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब बहराइच के ग्रामीण इलाकों में भेड़ियों का ऐसा ही आतंक है। उनसे बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से ऐलान पर ऐलान हो रहा है। बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं, डरे नहीं, सावधान रहें। जिस तरह सबसे ज्यादा 10 में से 9 बच्चों को ही भेड़ियों ने मार डाला है, उसको देखते हुए बच्चों की हिफाजत सबसे अहम है। इसीलिए आप कह सकते हैं, सो जा बेटे, भेड़िया आ जाएगा। भेड़ियों से खौफ के बीच बहराइच में अब रात रात भर गश्त का दौर भी जारी है। मैं इस वक्त बहराइच के सिसैया गांव में हूं। ये वही गांव है जहां पर सबसे पहले एक 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी गाँव में इस तरीके से जो पहरेदारी है वो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली और ई रिक्शा से हो रही है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि छोटे बच्चे को अकेला ना छोड़ें, अगर आप घर के अंदर हैं तो दरवाजे को बंद रखें। और इस तरीके के तकरीबन 50 ऐसे गांव हैं जो कि घाघरा नदी के किनारे पड़ते हैं और इसी में अभी भेड़िए का काफी आतंक है। बीते 2 हफ्तों में 10 बच्चों को भेड़िए ने निशाना बनाया है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें, सावधान सावधान सावधान। बहराइच के महसी इलाके में आजकल हर सुबह इस उम्मीद में होती है कि बचे हुए 2 भेड़िए भी पकड़े जाएंगे, मगर हर शाम इस नाउम्मीदी के अंधेरे में खो जाती है कि पता नहीं किनको ये भेड़िए शिकार बनाएंगे। इसीलिए 3 स्तर पर बचाव और भेड़ियों को पकड़ने के उपाय पर काम चल रहा है। पहले स्तर पर 4 डीएफओ समेत 50 वनकर्मी चप्पे चप्पे पर भेड़िए को ढूंढ रहे हैं। दूसरे स्तर पर पीएसी की बटालियन तैनात है, साथ ही स्थानीय पुलिस भी इस काम में मदद कर रही है। वहीं तीसरे स्तर पर गांव वाले खुद ही शाम ढलने के बाद गश्त लगा रहे हैं। ये देखिए कि गांव में इस वक्त रात को तकरीबन 7 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक इसी तरीके से
गांव के लोग आपस में शिफ्ट को बांटकर पहरेदारी करते हैं। हालांकि भेड़िया जो है वो इस इलाके में आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत हैं, पानी भरा हुआ है और अंधेरा छाया हुआ है, तो इसके चलते जो है वो यहाँ पर हमले का खतरा काफी बढ़ गया है। तो इसी के वजह से लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी गश्त कर रही है और 4 ड्रोन भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई मूवमेंट हो तो उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाए। तो अभी फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी नहीं मिली है। रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहे। ये ऐलान तो लगातार हो रहा है कि रात को लोग अपने घरों के अंदर सोएं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने दिक्कत यह है कि उनके घरों में दरवाजा ही नहीं है। सबसे पहले जिस सिद्धू की 3 साल की बच्ची को भेड़िए के उठा ले जाने की बात सामने आई, यानी 4 अगस्त को, उस वक्त सिद्धू के घर में दरवाजा नहीं था। घर खुला था तो जंगल से जानवर आया और एक बच्ची को उठा कर ले गया। ये सिद्धू जी का मकान है जहां पर भेड़िए ने एक बच्चे को यहीं से उठाया और उसके बाद में उस बच्चे का शव कुछ दूर के बाद में मिला। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि पक्का घर है, लेकिन इस घर में पहले दरवाजा नहीं था, अभी दरवाजा लगवा दिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये भेड़िए ने यहाँ पर हमला किया उस वक्त यहाँ पर दरवाजा नहीं था। तो इसी के चलते जो है वो भेड़िए ने 3 साल की जो बच्ची है उसको अपना शिकार बनाया। सिद्धू जी, ये कब कितने बजे के करीब में ये पूरा हुआ है ये वाकया? 4 अगस्त दिन शनिचर 2 बजे रात के, यहाँ लाइट कट गए 12:50 पर रात को। हाँ अच्छा, और 2 बजे पूरे हाँ यह पर जाए के हैं ये घर में, जब यह खटिया पर 3 लड़का रहा है इस खाट पे। हाँ जैसे 2 लड़का है हाँ, बीच में वो लड़का रहा है और इसे मुंह पकड़ के उतार के और यह फिर से छलांग लगाए, सब खटिया के वो मचवा थी गिरा। अच्छा। वो धमक से तो हम दोनों जने जानन हाँ। और यह फिर से उके पाछे भागे नहीं से चिल्लाते गाँव से आदमी छूटत रहा और वन विभाग वाले 7 लोग रहा गन्ना में घूस परे तुरंत 2 बजे रात का ढूंढत बहुत ढूंढ 5:15 बोर्डिंग मिली गन्ना में। इस बूढ़ी महिला के आंसुओं में अपनी 3 साल की पोती को खोने का सारा दर्द छुपा है। रात होते ही एक दहशत का जो माहौल है वो बन जाता है और ये आप देखिए कि ये वही घर है अंजलि का जो कि 3 साल की बच्ची थी और इस घर से सोमवार को एक भेड़िया या कोई दूसरा जानवर जो है वो इस कमरे में अंजलि सोई हुई थी और इस कमरे से उस भेड़िए ने अंजलि को यहाँ से दबोच लिया। अभी इसमें दरवाजा लग गया है उस घटना के बाद में, लेकिन इसमें दरवाजा नहीं लगा हुआ था और जब ग्रामीणों ने सुबह खोजा उसको तब जो है वो पता लगा कि जो है उसका जो शव है वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए उसकी माँ है और तब से जो है वो चूंकि इनकी बच्ची थी और उस बच्ची के साथ में इतना दर्दनाक हादसा हो गया है तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। घर में एकदम गम का माहौल है, सारे लोग दुखी हैं और उसके बाद जब ग्रामीण जो है वो यहाँ से उन्होंने खोजा तो पता लगा कि 500 मीटर दूर एक गन्ने का खेत था, वहाँ से फिर अंजलि का जो छत विछत शव है वो बरामद हुआ।
बहराइच में 6 भेड़ियों की ड्रोन तस्वीरें आई थी। इनमें से 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 कहां हैं ये किसी को पता नहीं। आजिज जाकर प्रशासन ने भी तय किया है कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आते हैं तो उनको गोली मार दी जाएगी। किसी भी समय हमारे पास भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना आएगी और हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बांट दिया है। लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि रात में कई बजे से कई बजे एक की ड्यूटी, फिर दूसरे की ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है ताकि अगर ड्रोन में नहीं आता तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भेड़िया कहाँ पर है और उसके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। लेकिन उन दोनों भेड़ियों को गोली मारने के लिए भी ये जरूरी है कि पहले वो दिखे। तो फिलहाल कहानी इतनी है कि वो दिख ही नहीं रहे हैं। बहराइच से रवीश रंजन शुक्ल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब अगर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तो उसे गोली मारने तक के आदेश दे दिए गए हैं। इलाके को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है और आज वन मंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की। अब सवाल ये उठता है कि क्या भेड़िया ही हमला कर रहा है इंसानों पर या कोई दूसरा जानवर है। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। कहां छुपे हैं दो भेड़िए? 5 किलोमीटर में तलाश, 50 गांव में रत जगा, 500 लोगों की पहरेदारी, एक जिले पर भेड़िए पड़ रहे भारी। रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करे। सावधान, सावधान, सावधान। 6 भेड़िए थे, 4 पकड़ लिए गए, लेकिन बाकी 2 कहाँ गए? बल्कि अब तो गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि हमला करने वाले भेड़िए ही हैं। इसकी क्या गारंटी है? पता नहीं चल पाया, किसी ने देखा नहीं कि ये जानवर है, कि भेड़िया है, कि हाँ, कि क्या है क्या नहीं है। पता नहीं लगा था। नहीं तो अभी जो वन विभाग के ड्रोन में जो आवा है उम्मा, तो भेड़िया चलत दिखे हैं, तो दिखे हैं, गन्ने में दिखे हैं ना। हाँ। लेकिन जैसे नो कांड 10 हुए हैं उसमें अभी तक ये कोई पता नहीं कर पाया है कि कौन जानवर काटा है। जिसकी बच्ची को भेड़िए ने मार डाला था उनको भी लगता है कि ये भेड़िया नहीं कोई और है। आप लोग तो काफी सालों से यहाँ रहा तो अभी तक भेड़िए का उस तरीके से हमला कोई नहीं, लेकिन नहीं सर, कभी नहीं। पहली बार आए हमारे जीवन में, 36 साल के हमारे उम्र है लगभग, लेकिन जीवन में पहली बार आई है सावन के अगस्त माह, जैसे सबने आया चलते रहे अगस्त माह, 4 अगस्त का यू पहली बार आया हम। अब इस भेड़िए सरीखे जानवर को देखिए, वन विभाग वाले भी साफ नहीं है कि ये कौन सा जीव है, लेकिन खौफ इतना बड़ा है कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि वहां से गश्त के लिए निकल सके। कोई कोई देखार कोई ना है, कहां ले कोई, रात भर मारो तो दिन भर मारो तो कहां ले कोई, का कहदारी तो कोई सहयोग देवार कोई ना है। तो दिन भर बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई भी बंद हो। हाँ, तो वह होबे करे, कौन उपाय करे किन जाए। महसी इलाके में 105 टीम गश्ती पर हर रात तैनात हो जाती हैं। हर टीम में 5 लोग होते हैं, यानी 525 लोग पूरी रात जागते हैं ताकि उनके बच्चे और घर की महिलाएं चैन की नींद सो सकें। इनकी पूरी रात इस डर में गुजरती है
कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। फिर जान में जान तब आती है जब सवेरा होता है। सवाल ये भी है कि भेड़िए अचानक कहां से आ गए। ये आप देखिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से जलवायु में बदलाव हो रहा है, वैसे तमाम सारे जो जंगली जानवर हैं उनके नेचर में भी, उनके प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। और इसी का ये नतीजा है कि दो हफ्ते के भीतर 10 मासूम बच्चों को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। हालांकि तमाम सारी अफवाहें भी भेड़िए को लेकर आसपास के गाँव में फैली हैं, लेकिन अब इस तरीके से बहुत सारी टीमें दिन रात पहरा यहाँ पर दे रही हैं गाँव में। तो अब देखना होगा कि आखिर कैसे जो भेड़िए का हमला है वो रुकता है और कैसे इन ग्रामीण, जो गरीब ग्रामीण हैं, इनको भेड़िए की दहशत से निजात मिलती है। बहराइच के महसी से सलीम सिद्दीकी, सुदेश कुमार राम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।